यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नाम रहा। जहां 1 घंटे 4 मिनट के भाषण में अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर दिखे, तो वहीं दूसरी ओर नॉनस्टॉप सीएम योगी ने 2 घंटे 34 मिनट में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को चुनौती दे डाली। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है, दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। योगी ने अपने भाषण की शुरुआत दुष्यंत की लाइन से की, जिसके बाद विधानसभा में हंसी के ठहाके लगने लगे। विधानसभा के कई सदस्य मेज थपथपाते दिखे। 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया, और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इसी के साथ सीएम योगी ने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए और अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे, शिवपाल जी आपके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए शिवपाल जी आप अभी से अपना रास्ता तय कर लें। चच्चो, अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है, आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्षों को कोई ध्यान में नहीं रखता है, और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को चुनौती तक दे डाली। सीएम योगी बोले, 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए कई मुद्दों पर उन्हें घेरा। सीएम योगी बोले, सपा के पास न पहले कोई विकास का एजेंडा था और न अभी है, जनता इसलिए बार बार समाजवादी पार्टी को जवाब दे रही है। अगर विश्वास न हो क्यों लोग आएंगे, अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया, दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। शुक्रवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी रहा। विपक्ष जहां एक तरफ सत्ता पक्ष को घेरने में दिखा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने में पीछे नहीं रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।